फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम अपने लाइफ में अपना डेली का खर्च करते हुए कैसे अमीर बन सकते हैं या एक बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं। किसी ने बोला था कि आप एक गरीब फैमिली में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब फैमिली में ही मर जाना आपके हाथ में है। सो आप आज एक लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, कल आप अपने बच्चों को अपना हायर फैमिली दे के जाइए, मतलब अच्छे स्टेटस दे के जाइए, उनका एजुकेशन, उनके भविष्य के लिए, ये सब चीज़ को देखते हुए आप कैसे अपने लाइफ में पैसा मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग, आप अपनी कमाई का 20% सेव करना है, उसके बाद जितना भी है उसको खर्च करना है, और 20% बचाते हुए आप अपनी लाइफ के 50 साल में कुछ अच्छे पैसे बचा लेंगे। उसके साथ साथ बच्चों का एजुकेशन, फैमिली का, आपका पेंशन प्लान वगैरह जो भी है उसको करते हुए, और कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 4-5 चीज़ें आपके पास होना ही होना चाहिए। मतलब आप अपने लाइफ में एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे कि आपने कोविड टाइम में देखा था, ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आप एक टर्म इंश्योरेंस, यदि आप अपने फैमिली में एक ही काम करने वाले बंदे हैं तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो, ताकि आपके जो ऊपर डिपेंड है, आप रहो या ना रहो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। दूसरी बात ये कि आपके पास LIC हो जो आपके फ्यूचर में बच्चों का एजुकेशन के लिए, आपके पेंशन के लिए, आपके रोज का खर्च के लिए कुछ पैसे उससे आते रहें। इसलिए आप जब कमाना शुरू करते हैं तभी से बचाना शुरू करिए। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चों का LIC, जितने बच्चे हैं उनका LIC, उनके लिए एजुकेशन प्लान और अपना पेंशन प्लान, अपने वाइफ का पेंशन प्लान, और उसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ बना के रखिए, एक से आप पैसा बचा के रखिए जो कि आपको इमरजेंसी में काम आए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो अपने महीने में 20 रुपया, मतलब 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, तो उसको 20 रुपया पहले ही उठा के एक, चाहे इंश्योरेंस, चाहे खाता, चाहे डीमैट अकाउंट, चाहे कहीं भी उसको रख देना है। रखने के बाद जो भी 80 रुपया है उसी में उसको बिताना है, 80 रुपया में ही उसका पूरा महीने का खर्च चलना है। ऐसे करने से आपको थोड़े थोड़े मनी बटोरते आप एक समय आपके पास कुछ अच्छे पैसे हो जाएंगे, जिससे आप अपने बुढ़ापे में उस पैसे को यूज कर सको। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।